सभी को नमस्कार यहाँ आने के लिए। इस पार्टी का पहला उद्देश्य है समतामूलक समाज की स्थापना। समाजवाद में जो बिखराव है, जो हिंदू मुस्लिम जाति भेदभाव किया जा रहा है, उसमें एक समानता हो। पूरे देश में एक प्रकार का माहौल बन गया है कि हिंदू मुस्लिम टकराव, साफ्ट हिंदू साफ्ट मुस्लिम, इन्हें हर बिरादरी में कट्टर होते हैं, हर जात धर्म में कट्टर होते हैं। तो उस कट्टर से देश की प्रगति रुक जाएगी, क्योंकि हमारा विकास का रास्ता हिंदू मुस्लिम से नहीं है। आज़ादी की लड़ाई में हर एक वर्ग, हर एक समाज, हर एक धर्म काम किया। हमारे देश की प्रगति इस कट्टरता में रुक जा रही है। आज अमेरिका, जापान, चाइना, वहाँ नहीं जाति की लड़ाई है, वहाँ विकास की लड़ाई है। वहाँ सबको बराबरी का हक दिया जा रहा है। हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ ये हो रहा है, कावड़ में नेम प्लेट लिखी है। कहाँ कहाँ नेम प्लेट लिखेंगे बताइए, आप खुद बुद्धिजीवी बताइए कहाँ कहाँ नेम प्लेट लिखेंगे। अब परेशान किसको किया जा रहा, ठेले वाले को, छोटे ढाबे वाले को, होटल वाले को। विकास की बात नहीं हो रही, शिक्षा की बात नहीं हो रही है। हम शिक्षा फ्री करना चाह रहे हैं इंटरमीडिएट तक, ट्वेल्थ तक। हम स्वास्थ्य फ्री करना चाह रहे हैं ट्वेल्थ तक। हम बेरोजगारी को, जितनी अधिक बेरोजगारी है, आप सबके घर सिलेंडर होगा, सिलेंडर का भाव आप खुद जानते हैं। हम आए तो 350 में था, 13 में 350-400 था ना, हम उसको कम करेंगे। क्या हुआ, कम करने की जगह पे ज़्यादा हो गया। आ सरकार ये दो अपने और दो अडानी अम्बानी के बारे में सोच रही है, गरीब किसान नौजवान के बारे में कौन सोचेगी। आज बाइक खरीदिएगा, बाइक की GST 18% 25% है। हेलीकॉप्टर खरीदिएगा, 5% GST है। क्या विडम बनाए थे, 5% हेलीकॉप्टर कौन खरीदेगा, आप में से कोई खरीदने वाला है हेलीकॉप्टर? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। कुछ सीटों पर लड़ेगी, उसकी हम अलग से अनाउंसमेंट कर देंगे। हम मैक्सिमम 10 से 20 सीट लड़ेंगे। सर जी, काफ़ी सारी ऐसी पार्टी होती है जो नए तौर पर लड़ना चाहती है जी, लेकिन आखिर में जाकर किसी न किसी बड़े पार्टी से मर्ज हो जाती है, उसके साथ काम करती है। क्या आपकी पार्टी नहीं, नहीं हमारा उद्देश्य नहीं, मर्ज नहीं होंगे। हमारे विचार से जो आएगा, फूले भीम, छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, विचारों से जो मिलेगा, हम गठबंधन कर लेंगे, मर्ज नहीं करेंगे। ओके, हम एक विचारों से समझौता, जो मेरी पार्टियाँ कोई बड़ी मिलती है तो हम उसके विचारों, अपना विचार मिला के, हमारा उद्देश्य है समतामूलक समाज की, बराबरी का सबको स्थान मिले। आज मिडिल क्लास, हम कह रहे मत मुझे अनाज दो, मुझे मत शौचालय दो, हमें रोजगार दो, हम शौचालय बनवा लेंगे, अनाज भी काट लेंगे। पांचवी अर्थव्यवस्था कैसे होगी जब 80 करोड़ हम भुखमरी के शिकार पे हैं? ये डेटा सरकार का है ना, 80 करोड़ को हम अन्न देते हैं, तब भुखमरी है तभी अन्न देते हैं। हमको रोजगार दो। आपके पार्टी का नाम है अखंड समाज पार्टी, ठीक है, लेकिन अधिकतर यूपी, उत्तर बिहार और बिहार से आपके पार्टी में जी, क्या महाराष्ट्र के मूलभूत जो मराठी है जी, उनका और है लोग कुछ जी? हमारी ये उत्तर भारतीय नहीं है, पूरे हम महाराष्ट्र में इसीलिए उतरे हैं, उत्तर भारतीय कोर्ट के लेके मराठी रोड, गुजराती रोड, यानी सभी लोग जितने मुंबई कर हैं, महाराष्ट्रियन हैं, सबका हम स्वागत करते हैं। पहला मुद्दा महाराष्ट्रियन का ही है, किसान आंदोलन का जो है, किसानों की समस्या जो हो रही है, मराठा आरक्षण की, मराठा आरक्षण हर बिरादरी के आरक्षण दिया जाए, मराठा को भी दिया जाए। मुंबई में स्लम में अधिकतर लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में, उनके स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की, शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि हम आप मिडिल क्लास के बच्चे नहीं पढ़ा सकते। आप पढ़ाएंगे तो पहले क्या पूछा जाता है कि भाई आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अब बताइए, ऑटो वाला कितना पढ़ा होगा, टैक्सी वाला कितना पढ़ा होगा, मिडिल का मजदूर कितना पढ़ा होगा, पानीपुरी बेचने वाला कितना पढ़ा होगा कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा भी नहीं सकता, अपने कमाई। वहाँ स्कूल में पूछा जाता प्राइवेट में कि आप एजुकेशन में हो कि नहीं, तब हम एडमिशन करेंगे बच्चे का। पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले हम में से कोई ना कोई प्राइमरी स्कूल से पढ़ा होगा, आप में से नहीं पढ़ेंगे, हमारे माँ बाप पढ़े होंगे, वहाँ से IAS से डॉक्टर इंजीनियर निकले। लेकिन यहाँ आज एजुकेशन जब महंगा होगा कौन पढ़ेगा? अपर मिडिल क्लास, अब VIP, उन्हीं के बच्चे पढ़ेंगे। ये मिडिल क्लास के बच्चे, लोअर क्लास के बच्चे कहाँ जाएंगे? सवाल है, देखिए अभी हमारा सिंगल लड़ने का विचार है,
पूरा आगे जो होगा वो देखा जाएगा। हमारे विचार से जो ये जो पोस्टर पीछे हम आप इनके विचार से जो मिलेगा तो हम समझौता करेंगे। अब ये भविष्य में है, ये तो बताओ प्रमुख के तौर पर आप किसी विधानसभा क्षेत्र से लड़ने वाले हैं। अब इस पर कमेटी तय करेगी, हम कैसे करेंगे, हम तय कैसे करें, अकेले फैसला होगा नहीं, मन में होगा ना इच्छा नहीं। कमेटी अगर कमेटी जहाँ बताएगी वहाँ हम लड़, एज ए कार्यकर्ता हम हैं, कमेटी जहाँ बोलेगी वहाँ लड़ने के लिए हम तैयार हैं। वेलकम कैसा हुआ आपका? अब तो आपके सामने ही है, आप लोग का प्यार, आप लोग का आशीर्वाद बना रहे, आप वेलकम आप देख ही रहे हैं। नेक्स्ट हमारी नेक्स्ट ये है कि हम 10 से 20 सीट लड़ेंगे, उसकी हम प्रेस वार्ता एक दिन और अगला कार्यक्रम कब होगा? बस वो डिसाइड तो आज करने के बाद कल हम लोग डिसाइड कर लेंगे। सर सुनने में आया था कि आप भारतीय जनता पार्टी से कई सालों से जुड़े थे। जी हम, लेकिन कहाँ आपका वो भंग हुआ कि आपने एक पार्टी का समर्थन किया और एक पार्टी लेकर खड़े हैं? जी चार चीज़ों की वजह से हम भारतीय जनता पार्टी, आपने पाने सही बात उठाई कि पहली बात जो सुनने में आया कि सभी लोग बताए कि गौकसी से चंदा आया, इलेक्ट्रल बोर्ड जो आया उसमें क्लियर हो गया पाकिस्तान की कोई कंपनी दी, तो हमारा हिंदुत्व का ये मुद्दा नहीं था जिसके लिए हम बीजेपी ज्वाइन किए थे, ये मुद्दा हमारा नहीं था, गौकसी का ये मुद्दा नहीं था बीजेपी में। अब बीजेपी धन के लिए हो गई है, हम कार्यकर्ता बीजेपी के थे, 140 लोग 240 सीटें जीती है, 105 अदर पार्टियों से आए हैं, अब बताइए तो कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में जो पहले भारतीय जनता पार्टी हुआ वो नहीं है, आज के समय में नहीं है वो, आज के अंदर केवल वो देखा जा रहा है जो कार्यकर्ता मेहनत नहीं करता उसको बढ़ाया जाता है, जो अदर बाहर से पार्टी से आ रहा है उनको दे दिया जा रहा है, धन के बल सक्रिय कार्यकर्ताओं का अनादर किया जा रहा है। आज कार्पोरेट चल रहा है, आज छोटे मीडिया आप में जितने लोगों का स्थान नहीं है, छोटे मीडिया जितने मिडिल क्लास मीडिया उनको स्थान नहीं दिया जा रहा है, तो जो नहीं पैकेट आ रहा है पहले ऊपर से। देखिए एक अंतिम सवाल है कि आपका जो जैकेट है जी, एक सूर्य भगवान का जो कलर होता है जी, भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलेंगे क्योंकि मंच अलग है जी, जी एक सूर्य भगवान का कलर है उसमें बहुत तेज होता है जी, तो क्या मैसेज देंगे आज? अब ये बुद्ध जी का भी कलर है, ये बुद्ध जी का भी कलर है, सूर्य का भी कलर है, ये भी देखिए, तो बुद्ध जी का जो मैसेज है हमारा मैसेज है, सूर्य का जो मैसेज है हमारा मैसेज है, सूर्य सबको रोशनी देता है, इसको सबको उसमें भेदभाव नहीं करता, तो हमारे उस पार्टी में भेदभाव होता था। देखिए आपकी पार्टी का मेन समानता है कि एकता को लेकर चलेंगे, एकता को लेकर समतामूलक समानता को लेकर। आगे सवाल सर ये कि आपके जो पार्टी का चिन्ह है जी, पैंट है जी, अजीबोगरीब, अब एक नाम नहीं लेना चाहिए इस मन से, ले हम एक बात बता रहे, अंदर अदर पार्टियों का किसी का सीटी होगा, किसी का झाड़ू होगा, वो क्या है, किसी का घड़ी है वो क्या है, पैंट तो आप जो पहने इज्जत ढक रही है आपकी, जो चुनाव चिन्ह हमारा इज्जत ढकने का है, पैंट नहीं पहनिए फिर क्या होगा, नंगे रहेंगे, ये चुनाव चिन्ह इज्जत ढकने का है, मानते हैं ना इसको? धन्यवाद।